हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपना पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो पी प्लांट है वो ईजी टू कल्टिवेट होते हैं। दूसरा इसका रीज़न है कि वो ईजी टू हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, मतलब उनमें हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाता है ईजीली। तीसरी चीज़ है उनकी जो साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। चौथी चीज़ है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है, मतलब कि हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है हमारा किस पे सेम प्लांट, मतलब कि पी प्लांट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। जो कैरेक्टर थे वो थे टोटल 7। पहला हमारा कैरेक्टर था वो था स्टेम हाइट, मतलब टॉल और ड्वार्फ। टॉल था डोमिनेंट, ड्वार्फ था रिसेसिव। ऐसे ही दूसरा था फ्लावर कलर, वायलेट और वाइट। तीसरा करेक्टर था फ्लावर पोजीशन, मतलब एक्सियल या टर्मिनल। चौथा था पॉट से इन्फ्लेंटेड या कॉन्ट्रिकल। पांचवा था पॉट कलर ग्रीन या येलो। छठा करेक्टर था सीड शेप, मतलब राउंड या रिंकल्ड। सातवां करेक्टर था सीड कलर येलो या ग्रीन। ये सारे करेक्टर यूज किए थे किसने, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, मतलब इन कैरेक्टर को यूज़ किया था। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। वो मैंने आपको बताई नहीं है इसलिए मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। एक नंबर में ये पूछ ली जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या चीज़ होती है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरी हमारी क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, केवल एक कैरेक्टर को यूज करते हैं, मतलब ये ऐसी क्रॉस है जिसमें हम यूज करते हैं क्या, वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर वो हमारा कोई भी हो सकता है, स्टेम हाइट ले लो या पॉड कलर ले लो, कोई भी एक कैरेक्टर यूज करते हैं हम किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, मतलब एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराते हैं, मतलब टॉल कैरेक्टर लिया है तो हमने क्या हुआ, सबसे पहले लेते हैं हम कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब होता है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा होता है हमारा स्मॉल टी। स्मॉल टी वो हो गया हमारा क्या, होमोजाइगस रिसेसिव। जब इनका क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, TT मतलब कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये मिलता है हमें F1 जनरेशन में। जब इनकी हम सेल क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें टी टी और टी टी कहने का मतलब है जो हमें जीनोटाइप मिलता है, जीनोटाइप होते हैं हमारे इंटरनल कैरेक्टर, वो मिलता है 1:2:1। मतलब एक तो हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल, तीसरा हो गया हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब एक तो हो गया बड़ा टी बड़ा टी, दो हो गए हमारे टी और टी, और एक हो गया हमारा स्मॉल टी। और जो हमारा फिनोटिपिक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वो होता है 3:1। मतलब कि बाहर से हमारे तीन प्लांट हो गए क्या, टॉल, एक हो गया डॉल, ऐसे हो गया हमारा 3:1। ये बात कर ली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, हम दो करेक्टर को यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें दो करेक्टर्स एक साथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये दोनों करेक्टर लिए, इसमें हमने एक ही यूज़ किया है, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होती है उसमें दोनों करेक्टर लेते हैं। जब हम इन दोनों करेक्टर का क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, तो हमें जब जीनोटाइप मिलता है और जो फिनोटाइप, जो हमें जीनोटाइप मिलता है वो मिलता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। और जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है 9:3:3:1। ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो सिंपली आपको क्या करना है,
कि जो जीनोटिपिक रेशियो है किसका, 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में आपको ये वाला रेशियो मिल जाएगा। ऐसे ही आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ऐसे आपको निकल जाएगा ये वाला फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। ये इजी भी होता है पता करने के लिए, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। ये बात कर ली हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।